पटना पुलिस ने गुरुवार को दो मामले का खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगातार सफलता हासिल की है। बताते चले कि 22 अप्रैल को पटना के जीरो माइल स्थित अमेजिंग कंपनी के कर्मचारी विवेक कुमार अपनी मोटरसाइकिल से कंपनी का पैसा बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों ने पटना साहिब स्थित ओवरब्रिज पर हथियार के बल पर दिन दहाड़े रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए थे, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने लूटपाट करने वाले गुरु को दो सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी दिन खचकला थाना क्षेत्र के सदर गली के समीप गढ़िया के पास अपराधियों ने मोहम्मद तस्सू की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने एक अभियुक्त को थर दबोचने में कामयाब हासिल किया है। ये दिनांक 22/4/2024 को दो घटनाएं जो है खाजेकला थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और एक बाईपास थाना के अंतर्गत अमेजन जो के जो सेलर थे उनके साथ लूट की घटना हुई थी। इसमें SDPO सिटी 2 और उनकी पूरी टीम द्वारा जो भी खाजेकला बाईपास थाना चौक थाना माल सलामी सभी ने मिलकर एकजुट होते हुए इसमें अपनी टीम गठित की और इसमें अवतर कार्रवाई की, जिसमें खाजेकला में जो मोहम्मद ताजो की जो हत्या हुई थी उसका सफल उद्भेदन जो है वो कर लिया गया है और इसमें एक अभियुक्त विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त जो कि पुलिस निगरानी में है अनमोल कुमार, उसके खिलाफ भी एविडेंस आए हैं, टेक्निकल एविडेंस और मैनुअल एविडेंस दोनों इसमें कलेक्ट किए गए हैं और इनके द्वारा इस अपने किए गए अपराध को कन्फेस भी किया गया है। इनका मोटस ऑपरेंडी यह था कि ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे और उस दिन जो मृतक व्यक्ति है उनकी भी मोटरसाइकिल इन्हीं के द्वारा चोरी की गई थी। जब उनको पता लगा कि उनकी मोटरसाइकिल खाजेकला में है तो वहाँ गए तो उसी में अपनी मोटरसाइकिल लेने के क्रम में जो विवाद हुआ उसी में जो है ये अभियुक्तों द्वारा उनके खिलाफ जो है गोली फायर की गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य अभियुक्तों की भी पहचान हो गई है, उसमें भी लगातार छापेमारी की जा रही है और उनको भी गिरफ्तार जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा। दूसरी घटना जो कि 6,93,000 के लगभग जो लूट की घटना घटित हुई थी 22/4/24 को, उसमें भी हमारी टीम द्वारा जो है पूरी लगन से इसमें मेहनत की गई और इसमें लगभग जो है 40,000 एक राहुल कुमार व्यक्ति हैं उनके पास से बरामद किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी झारखंड से हुई है, और एक अभियुक्त मंगल कुमार जिसके पास से 22,000 जो है लूट का जो रुपया है वो बरामद किया गया है। इनके पास से दो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और जो लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। इनकी जो इसके संबंध में CCTV फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और फुटेज की स्टिल फोटोग्राफी भी हमने जो है उसमें संकलित की है और स्टिल फोटोग्राफी के आधार पर उनकी पहचान हुई थी और उसको आगे फिर कांड देने का भी हमने उसको जो है हिस्सा बना रहे हैं और उसके अलावा अन्य जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों जो घटनाएं जो 22 तारीख को घटित हुई थी, एक खाजेकला और एक बाईपास थाने में, दोनों का सफल उद्भेदन जो है हमारी टीम द्वारा किया गया है और इसमें शामिल जो भी पुलिसकर्मी हैं हमारे उन सभी को इस संबंध में पुरस्कृत किया जाएगा और इसके अलावा जो अन्य अभी भी अभियुक्त फरार है उनकी भी लगातार हम गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं।